हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स के साथ। साथियों, आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे से आपकी ये क्लासें रेगुलर चल रही हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। आपको याद दिला दें कि ये सारी क्लासें पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर चलने वाली हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाली हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी या फिर आप देखोगे तो नीले कलर में लिखा होगा पीवीआर स्टडी क्लास 9th एंड 10th। आप उस पर टच करोगे, फट से पहुँच जाओगे। चलिए अभी इस पर चल रही देखते हैं। कह रहा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी एक प्रकार से ये जान लो कि गुणनखंड विधि से इनका क्या करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, फैक्टर निकालना है बस। तो चलो कैसे करते हैं। इस तरह के समीकरण को हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया है कि अगर लास्ट में चिन्ह माइनस है, लास्ट का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, जैसे एक बात यहाँ समझ लो, अगर ये 2x² लिखा है, इसका मतलब जो यक्स का गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। यक्स का गुणांक क्या है, 2 है। अगर यहाँ पर बच्चा लोग ये देखो 3x⁵ लिखा है और मैं आपसे पूछूं कि यक्स की घात 5 का मान क्या है, तो आप बताओगे कि यक्स की घात जो यक्स की घात 5 का गुणांक है बच्चा लोग, वो क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो इनको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, इनको इंग्लिश में कोफिशियंट बोला जाता है। ओके, क्लियर। अब देखो इस तरह से यहाँ पर अगर हम गुणांक की बात करें तो क्या है, 1 है। कितना है इसका गुणांक, 1 है। तो इस तरह से आप ये ट्राई करोगे कि 1 का मल्टीपल करो किसमें, सीधा सीधा 10 में, तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात समझना है कि ये जो नंबर है 3 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि जिसको अगर गुणा करो तो क्या हो जाए, 10 हो जाए, और अगर घटाओ तो 3 आए। बोलो कोई ऐसी दो गिनती बताओ, दो नंबर बताओ जिसको अगर हम गुणा करें तो 10 हो और घटाएं तो 3 आए। जैसे मान लो हमने लिख लिया क्या, 5 और 2, तो 5 दूना क्या होगा, 10। 5 का 2 में गुणा 10 होगा और 5 में से 2 घटाओगे तो 3 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर जैसे है उसको वैसे लिखो, माइनस 3 को आप लिख सकते हो 5 माइनस 2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं। 3 को आप 5 माइनस 2 लिख सकते हो, इंटू यक्स बाहर था तो यक्स, और माइनस का 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। बस हो गया आपका काम, यही आपको करना था। इसको आप हल कर लीजिए, देखिए इसके दो जो है मूल आ जाएंगे फटाफट अभी आपके सामने। और एक बात याद रखना, जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो इस तरह से यारों ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, कोष्टक खोलोगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 5 का x में मल्टीपल होगा तो ये 5x। अब अंदर के चिन्ह बदलेंगे, ये चिन्ह थोड़ी बदल जाएगा कि यहाँ प्लस हो जाएगा, ये चेंज होगा, माइनस का ये 2 हो जाएगा, x में मल्टीपल x माइनस 10 इक्वल 0। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 0 लेवल मैथ देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है तो, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। कॉमन का मतलब मैं बेसिक मैथ में बहुत अच्छे से बताया हूँ। इनमें x कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा x माइनस 5, इनमें अगर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। इस तरह से आप देखोगे x माइनस 5 और x प्लस क्या आएगा, 2 इक्वल, ये 0 था तो ये 0 हमेशा रहेगा। एक एक को आप 0 के बराबर करोगे, जब यक्स माइनस 5 = 0 तो यक्स बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। यदि यक्स प्लस 2 इक्वल 0 तो यक्स बराबर -2 आएगा। यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण के जो दो मूल आ रहे हैं वो क्या हैं, आप नीचे लिख लेना। अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 के मूल प्लस में है 5 - 2 हैं। बस हो गई कहानी ख़त्म, अगला समीकरण पर चलते हैं हम लोग। बहुत ही ध्यान से देखो, ईमानदारी से, कहीं भी जाना नहीं, ठीक है, पूरा क्लास को देखना एंड तक, बहुत जल्दी ही समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखो यार, आप लोग कुछ करने की खुद से भी कोशिश करो। अगला सवाल इसी का दूसरा पार्ट है, बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखो। NCERT बुक है आपका, एक्सरसाइज नंबर है ये 4.2, क्वेश्चन नंबर 1st का 2nd नंबर पार्ट, प्लस यक्स माइनस 6 इक्वल 0। यार यहाँ बड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा फ़ैन चलाने पे आपको आवाज़ आती होगी क्योंकि AC वगैरह तो लगा नहीं, बड़ा गड़बड़ चल रहा है सिस्टम इस समय कोरोना के डर से, तो भैया थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो आगे क्या है, इसमें क्या है, मैंने आपको पहले मल्टीपल करके दिखाया था इधर साइड में, इसमें भी आप 2 का मल्टीपल करोगे 6 में, तो बच्चा लोग आप जानते हो कि 2 का मल्टीपल 6 में करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। यानी आपको एक काम करना है, वो क्या करना है कि कोई दो ऐसे अंक खोजना है जिनको गुणा करो तो 12 हो जाए, और अगर उनको घटा लो आपस में, चूँकि यहाँ माइनस है तो घटाने पे देखा जाएगा, अगर प्लस होता तो जोड़ते, तो घटाने के बाद 1 आना चाहिए क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 1 है ना, x का गुणांक 1 है। तो आप ये जान लो
कि वो गिनती हो जाएंगी चार और तीन। क्या होगा? चार और तीन, चार में से तीन घटाओगे एक आएगा ना, एक आएगा, और ये यक्स जो है ऐसे ही लिख दिया जाएगा, माइनस का छः इक्वल जीरो। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं बच्चा लोग वो ये समझ लें। जैसे मैंने यहाँ बताया था वैसे वहाँ भी, हाँ यहाँ पे देखो मैंने ये बताया था ना कि इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक तीन है, तो हमने इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखा था कि अगर इसको हम घटाएं तो ये तीन आ जाए। बोलो पाँच में से दो गया तीन आ रहा ना, वैसे यहाँ है, यहाँ पे x का गुणांक एक है, कुछ नहीं होता तो हमेशा एक मानते हैं, तो अगर हम इन दोनों को घटाएँ तो एक आ जाए, जो कि वहाँ दिख नहीं रहा आपको, तो घटाएँगे चार में से तीन तो एक आ जाएगा, बस इतना ही करना था। अब इनको हल कर लो प्यार से, ये 2x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस, 4 का x में गुणा करो तो 4x, माइनस 3 का x में करो तो 3x, और ये बच्चा लोग जो माइनस का 6 है ना इसको 6 लिख लो इक्वल जीरो। अब आप कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा। मैं सही लिख रहा हूँ क्या? नहीं, 2x से जब भाग दोगे 4x में बच्चा लोग, तो ये जान लो सिर्फ 2 आएगा, ओनली क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ माइनस का 3 कॉमन लोगे तो x माइनस, और ये देखो प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब आप कॉमन माइनस में लोगे तो अंदर में चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, अगर कोष्टक खोलोगे तो फिर वो माइनस हो जाएंगे, याद रखना। हाँ तो ये हो जाएगा, हो गया काम ख़त्म, इक्वल जीरो, यानी आपके जो समीकरण के दो मूल आ गए x प्लस 2 और 2x माइनस का 3 बराबर जीरो आ गया। यदि देखो यहाँ दो मूल आएंगे, यदि x प्लस 2 इक्वल जीरो लिख लो तो x बराबर माइनस का 2, इतना दिख रहा ना अच्छे से। इसी तरह से आप दूसरा वाला भी जीरो के बराबर कर लो, देखो नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है? लो देख लो, नीचे भी देख लो बच्चा लोग, दिख रहा है ना नीचे, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके गुड, चलिए अब क्या है, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, यदि x प्लस 2 इक्वल जीरो तो x इक्वल माइनस का 2, यदि 2x माइनस 3 इक्वल जीरो तो x की वैल्यू आएगी 3/2। इस तरह से x के दो मूल आ गए, कौन कौन से? माइनस 2 एंड 3/2 ना, यही तो, लिख लो जल्दी से, ये दो पार्ट हो गए, अभी अगला भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें जिससे कि आप पढ़ सकें, जल्दी करें, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत जल्दी करो, देर ना करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दोनों हल हो चुके हैं, सामने से हम हट चुके हैं, लुक चुके हैं, छुप चुके हैं, जल्दी करो। देखिए इसका अगला पार्ट बहुत ही ध्यान से देखना, ईमानदारी से, बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें अंडर रूट लगा है, इसको देख के मत घबराना, अंडर रूट वाला और आसान होता है। क्या करना हमें, हमें सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक का मल्टीपल करना है, किसमें? लास्ट वाले अचर पद में। तो इसका हम गुणा करेंगे अंडर रूट 2 का 5 × अंडर रूट 2 में। तो बच्चा लोग आप ये जान लो, मैंने आपको कई बार बताया था, अगर आप अंडर रूट 2 का मल्टीपल अंडर रूट 2 में करोगे तो आपको पता है इसका उत्तर 2 आता है, लेकिन आता कहाँ से है वहाँ तक मैं आपको ले चल रहा हूँ। सोचो, गेस करो, अगर आप 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट लगा है तो वैसे ही लगा रहेगा, और जब आप 4 का वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट में शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा है, उनका गुणा करोगे तो वो संख्या आ जाएगी, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, ऐसा इसलिए होता है, ठीक है? तो वही केस यहाँ भी बनेगा, अंडर रूट 2 का हमें गुणा करना है किसमें? देखो अंडर रूट 2 का गुणा करना है 5 × अंडर रूट 2 में। तो आप देखोगे जब बच्चा लोग ये करोगे 2 का रूट 2 का रूट 2 में, और 5 तो ऐसे अटका रहेगा जैसे है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है? तो ये 2 हो जाएगा फाइनल में, 2 और ये 5 वैसे रहेगा तो बराबर 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10, यानी हमें कुल मिला करके यहाँ ये नहीं देखना, हमें 10 देखना है। कितना देखना है? 10। ओके अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईमानदारी से इसको देखना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बस एक पॉइंट का दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो कैसे, यानी हमें यह समझना है कि कोई दो अंक लेने हैं जिनको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10। जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे दो अंक कौन से हो सकते हैं, जल्दी बोलो। तो बच्चा लोग आप ये जान सकते हो, वो हो सकते हैं 5 × 2, यानी 5 को 2 में जोड़ोगे तो 10, और 5 का 2 में गुणा करोगे तो, सॉरी, 5 का 2 में गुणा करोगे तो 10, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा x, और प्लस ये 5 और अंडर रूट 2। अब इनका मल्टीपल करो फटाफट, जो भी आप करते आए हो, 5 का x में प्लस 2 का x में
प्लस ये इतना। अब कॉमन लेते समय भी आपके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि भैया इसमें कॉमन क्या लोगे तो बचेगा क्या, ये बड़ी आफत है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें दोनों में यक्स कॉमन होगा, ओनली यक्स कॉमन होगा, तो अंडर रूट 2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। ओके गुड। अब कहोगे इसमें दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है। है कॉमन, इस पे कॉमन है, जैसे आपने देखा होगा नारियल, नारियल के ऊपर भी एक कवर होती है, उसके अंदर एक कवर होती है ना। आपने प्याज देखा होगा, प्याज में कई परत होती हैं, वैसे इसमें कई परतें जमी हैं। वो कैसे, देखो इधर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू का मतलब होता है दो, इतना आप जानते हो ना, जानते हो ना। जैसे दो का दो में गुणा करने पे चार होता है, वैसे अंडर रूट टू का अंडर रूट टू में करने में दो होता है। तो हम क्या करेंगे ना बच्चा लोग, एक अंडर रूट टू कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, ये दूसरा छुटका हुआ बचा रहेगा ना, बचा रहेगा ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें से एक अंडर रूट टू कॉमन ले लेंगे। किसमें से, इसमें से जो आपको नहीं दिख रहा है, तो इसमें एक अंडर रूट टू अभी बचा है, वो अंदर में रहेगा, एक्स के साथ में रहेगा, और इसमें अंडर रूट टू निकल गया तो बचा है 5। और ये देखो दोनों का ये कोष्टक का जो मटेरियल है ना, ये कोष्टक के माल इक्वल होने चाहिए, याद रखना। जैसे इसमें वैसे इसमें भी, मतलब एक समान, चिन्ह भी वही, गिनती भी वही, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए दोनों ब्रेकेट में। अब क्या होगा, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 और ये एक्स प्लस अंडर रूट टू, ये हो गए इक्वल, ये सभी जीरो हैं बच्चा लोग, तो आप इनको सबको जीरो कर लेना फटाफट। हाँ जीरो, क्योंकि द्विघात समीकरण है, सब जीरो हैं। अब एक एक को जीरो के बराबर कर लो तो यक्स के मूल आएंगे, पहला कितना आएगा पता है आपको, माइनस 5 बटा अंडर रूट 2 आएगा। और चूंकि अंडर रूट नीचे लगा के कभी लिखते नहीं हैं, इसलिए इसको अंडर रूट से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो फाइनल में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 5 अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका एक मूल। और अगर दूसरे मूल की बात करें तो दूसरा मूल इसका क्या होगा, यक्स इक्वल माइनस का अंडर रूट 2, कितना आएगा माइनस अंडर रूट 2। तो ये हो गए आपके तीनों पार्ट हो गए पहले क्वेश्चन के, आप जल्दी जल्दी छाप लो फटाफट। और एक बात याद रखना, PVR स्टडी क्लास 9th एंड 10th, जो चैनल का नाम ऊपर लिखा रेड कलर में, डिस्क्रिप्शन में देखो ये नीले कलर में होगा, इस पर टच करो, फट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सारी क्लासें उसी पर ट्रांसफ़र होने वाली हैं। और नई बैच 25 तारीख से उस पर चलने वाली है, 25 अगस्त से नई बैच शुरू से एकदम क्लास 10th मैथ। और क्लास 10th की मैथ सुबह 7 बजे से चलेगी उस पर, कितना बजे से, 7 बजे से, याद रखना। इस पर 8 बजे से चल रही, उस पर 7 बजे से चलेगी, फिर ये 8 बजे वाली क्लास यहाँ बंद हो जाएगी, तो वहाँ 7 बजे से देखोगे ना, सही रहेगा, कमेंट करके बताओ 7 बजे से देख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं तो ऊपर नंबर दिया गया संपर्क करना। ओके चलो देखिए, ये क्वेश्चन मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, इसमें 5 पार्ट थे, मैंने एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है। अगर आपके अपने मन में तनिक भी दया भावना होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर करोगे अपने साथियों में, है ना। मैंने हर एक पार्ट कर दिया 5ों में से। देखो इसका जो चौथा पार्ट कह रहा है, इसमें मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ बच्चा लोग, ये जान लो कि 2 का गुणा करोगे 1/8 में, 2 का जब गुणा करोगे 1/8 में तो आप जानते हो ये कट जाएगा, तो मतलब 1/4 आएगा। यानी आपको क्या करना है कि कोई दो ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर 1/4 आए, क्या आए, उनका गुणा कर दें तो 1/4 आए, और अगर उनको जोड़ दें तो यक्स का गुणांक क्या है इसमें, 1 है ना, उनको जोड़ दें तो 1 आए, यानी जोड़ें तो 1 आए, गुणा करने तो क्या आए, 1/4 आए। तो वो संख्याएं आप रखोगे 1/2 धन 1/2, देख लो करके, अगर 1/2 को 1/2 में जोड़ोगे बच्चा लोग तो आप ये जान लो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और अगर इनका मल्टीपल करोगे यहाँ पे तो देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 1/4 आएगा। इस तरह से आप यहाँ क्या कर लोगे, यहाँ कर लोगे आप 1/2 प्लस 1/2 इंटू यक्स प्लस 1/8, और इधर जो है माइनस 2x का स्क्वायर, गुणा कर लेना, कॉमन ले लेना, उत्तर आ जाएगा, कर लोगे ना। इसके दो मूल 1/4 और 1/4 आएंगे, बराबर होंगे दोनों मूल, ठीक। अगले में बात करें, इसको भी कर लेना, अरे इतना तो कर लो यार ना, मैंने 3 बता दिया कि नहीं बता दिया, दिमाग ज़्यादा मत लगाया करो, ठीक है ना, कुछ कोशिश करो खुद से भी। अगर मैं सारे सवाल लिख दूंगा तुम छाप लोगे तो कुछ होने वाला नहीं, एग्जाम में तीर नहीं मार लोगे, ठीक है, इसलिए कुछ खुद से भी करो, क्योंकि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ नाक सिकुड़ रही। देखो इसे, इसमें क्या है, 100 का गुणा करो 1 में तो 100 आएगा, यानी कोई दो अंक बताओ जिसको गुणा करने पर 100 आए, गुणा करने पर 100 आए, और उसको अगर जोड़ दें तो कितना आए, 20 आए, 20 आए। आप देख लो 10 धन 10, 10 में 10 जोड़ोगे 100, 10 में 10 का गुणा करोगे तो बच्चा 10 में 10 जोड़ोगे 20,
10 का 10 में गुणा करोगे तो 100 बीत जाता है, या फिर कमेंट में इधर उधर दिमाग बढ़ जाता है, कहीं बफरिंग कर रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, बहुत सारा लफड़ा होता है ना। चलो, कह रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपका एक्सरसाइज 4.2 है, यानी कि प्रश्नावली 4.2, इसमें का सवाल नंबर 2 हमें हल करना है। अब ये भूल जाओ जो नीचे लिखा है, आपकी किताब में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, और बाकी कुछ नहीं दिया। तो उदाहरण एक मैं आपके सामने ले आया हूँ, उदाहरण एक यही है, कहने का मतलब इसी समस्या को हल करने के लिए वो बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली जो उदाहरण में है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ इसको एक समीकरण के रूप में बदलने के लिए कहा गया था बस। लेकिन आपकी एक्सरसाइज में कह रहा है कि इसमें जो समस्या है उसको हल कीजिए, कहने का मतलब इसको समीकरण के रूप में तो बदलिए ही, साथ साथ में इसका मान भी निकालिए आप, जो भी मतलब एक्चुअल वैल्यू है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सवाल में पहले देखो एक स्टोरी लिखी गई है, पहले आपको इसको कहानी को ध्यान से समझना है। कह रहा कि जान व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 45 कंचे हैं, गोलियां हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कुल कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 बचता है, यानी कि 124 बचता है। उसके बाद आगे कहता है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। देखो ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी ना बच्चा। चलो देखो, जान व जीवंती दोनों की बात कर रहा है, तो पहले हम मानेंगे, नीचे लिखो माना, नीचे आप हल लिखो, यहाँ पर हल बड़ा बड़ा लिख लो, हल लिखो, माना जान के पास कंचों की संख्या, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स। देखो अगर हम नहीं लिखेंगे तब भी तुम लिखोगे, मैं बार बार बोलूँगा, 3-4 बार बोलूँगा, लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जान के पास कंचों की संख्या कितना, एक्स। नीचे लिखोगे बच्चा, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना, कितना भैया, 45 माइनस यक्स, 45 माइनस यक्स। देखो अब कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं उनको बता दे रहा हूँ, ज़रा सोचो। कह रहा कि दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, कुल 45 कंचे हैं। ज़रा इसको छोटा सा उदाहरण में समझ लो, अगर आपको ऐसा बोलता कि जान के पास 15 कंचे हैं और बाकी जो है जानवी के पास हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 हैं, तो आप जानवी के पास का कंचा निकाल सकते थे ना। कैसे, क्योंकि आपको 45 से 45 से 15 घटा लेना था, आप पता चल जाता आपको 30 रहना, ये पता चल जाता ना। तो इसी तरह से हम इसको निकाले हैं कि अगर हमें जान के पास कंचों की संख्या पता चल गई तो जो बचेगा वो जानवी के पास होगा, क्योंकि ये तो कह रहा कि टोटल 45 है ना। तो ये बात आप लिख लो, लाइन हो गई इतनी। देखो मैं जल्दी से मिटा देता हूँ, आप लोग की शिकायत रहती है बच्चा, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं मिटा रहा हूँ, आप इसे जल्दी से नोट करो फट से। हो गया, आगे बढ़ें, चलिए। तो हो गया होगा, अब हम ऊपर से मिटाएंगे। देखो अगर ईमानदारी से देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल मैं मिटा दूंगा तब भी तुम लोग अब कर लोगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं ना। चलो, जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या हमें पता हो गई, हमने मान लिया और एक आ गया। आगे कहानी समझते हैं। कह रहा है कि उनके पास दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 हो जाता है। 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब अब क्या होगा भाई, आगे बढ़ो लिखो। पांच कंचे खो जाने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या, लिखो, मैंने लिखूंगा, 5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या। तो बच्चा जब 5 ही खो जाएगा तो जान के पास यक्स माइनस 5 कंचा बचेगा, ये तो बचेगा ना बाबू। मान लो पहले जान के पास 25 कंचा था, अगर 5 खो जाता तो बराबर 20 बचता, मतलब 25 माइनस 5 ना, तो पहले उसके पास अगर यक्स था, 5 खो गया मतलब एक्स माइनस 5 है ना, लिख लो। हाँ अब आगे चलो भैया, जान के पास तो खो जाने के बाद कितना बचा है, एक्स माइनस 5। नीचे लिखो, जानवी के पास 5 कंचे खो जाने के बाद बचे कंचों की संख्या, या फिर 5 कंचे खो जाने के बाद जानवी के पास बचे कंचों की संख्या, सेंटेंस आप समझ सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल था मतलब 45 माइनस एक्स ये था ना बच्चा आपका, इसमें से 5 और कम हो जाएगा, इनको अगर आप फाइनलाइज हल करोगे तो ये प्लस माइनस घट जाएगा बच्चा, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया जानवी के पास कुल कंचों की संख्या 5 कंचे खोने के बाद, और ये है जान के पास,
आगे स्टोरी में एक नया मोड़ आता है, नीचे लिखोगे प्रश्नानुसार, कह रहा है कि दोनों के पांच पांच कंचे अगर खो जाते हैं, खो देते हैं, तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है, गुणनफल 124 है। तो नीचे आप लिखोगे प्रश्नानुसार, नीचे लिखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सभी बच्चे लिखना प्रश्नानुसार। चलो अब मैं एक लाइन सवाल मिटा रहा हूँ, बस धीरे धीरे देखते जाओ। प्रश्नानुसार वो चीज़ तो आप समझ गए ना, नीचे मैं लिखूँ या यहीं लिख दूँ? देखो अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे समझ में आएगा। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, कह रहा कि दोनों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो बच्चा जो ऊपर आ रहा है ना उनका गुणनफल करके 124 कर दो, बस हो गई कहानी आपकी पूरी। देखो कितना आसान है, अगर समझोगे तो पढ़ने वालों के लिए। अब कहो देखो शिवांश कमेंट कर रहे हैं, उर्मिला कमेंट कर रहे हैं, ध्रुव कर रहे हैं, मैं उनका नाम बोलूं तो फिर मज़ा नहीं आती यार। देखो दोनों की जो संख्या है दोनों के पास कंचों की, उसका गुणनफल 124 है, मतलब ये x माइनस 5 और ये जो जान और जानी कौन थे दोनों, आप देखे थे ना 4040 माइनस एक्स, इनका गुणनफल जो है वो 124 है। यही कह रहा था ना कहानी में, देखूँ मैं, यही कहानी तो है, यही है ना बच्चा? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब इनको हल कर लो, एक समीकरण बन जाएगा, इसमें से x का वैल्यू निकालोगे तो दोनों के पास जो एक्चुअल में कंचों की संख्या वो मिल जाएगी। चलिए देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप मिटाते चल रहा हूँ, अगर आप लिखोगे तो आप समझोगे एक तरफ से, बीच में देखोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से वीडियो देखो। x का 40 में मल्टीपल करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 40x। अब x का माइनस x में करोगे बाबू तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एरो लगा दो, यहाँ पे भी एरो लगा दो। हाँ मैंने x का मल्टीपल इसमें कर लिया 4040 में, अब मैं 5 का करूँगा दोनों में बारी बारी। तो 5 का जब मैं इसमें करूँगा बच्चा तो ये 5 दूना 5 चौका 20 ना, और एक जीरो पहले से था, यानी हम कह सकते हैं प्लस माइनस का 5 प्लस का 40 गुणा करोगे तो माइनस का 200 आएगा, और माइनस का 5 और माइनस का x तो ये प्लस का 5x बराबर 124। इस तरह से अगर हम देखें तो ये 40 और ये 5 दोनों प्लस में हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो बच्चा ये फाइनलाइज में आपके हो जाएंगे 45x माइनस x का स्क्वायर, और ये 200 माइनस में है, 124 किस में है बच्चा, वो प्लस में है, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी फाइनल में 324 बन जाएगा इक्वल जीरो। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो होता है। तो हम इसको इसी रूप में रखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाला, तो भैया ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 45x 45x माइनस का 324 इक्वल जीरो। देखो यहाँ एक मुसीबत है, सबसे पहले माइनस आ गया ना, तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को हम लोग दूर करेंगे। दूर करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दो आप सभी, अगर तो आपको समझ में आएगा बच्चा। इसके लिए हम माइनस वन से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, माइनस वन से दोनों पक्षों में गुणा करने पर इधर भी इधर भी, तो जब हम इसमें माइनस वन से मल्टीपल करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल जीरो। माइनस वन का शून्य में मल्टीपल करोगे तो वो शून्य ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो उसमें। हाँ ये समझ में आया, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, बहुत ही प्यार से समझना, ये इतनी कहानी हमारी हो गई पक्की ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पता है ये तो हमारा समीकरण बन गया, ये तो हमारा समीकरण बन गया बाबू, लेकिन अभी अगर हम उदाहरण की बात करते तो उदाहरण में कह रहा था समीकरण बनाओ, बन गया, ख़त्म हो गया था, लेकिन हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में कह रहा है इसमें दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो हम इसे पूरा कम्प्लीटली हल करेंगे। अब हमें क्या करना, फैक्टर करने हैं। अब ये बताओ, कोई दो संख्या बताओ, कोई दो संख्या बताओ जिसको अगर गुणा कर दें तो 324 हो जाए और अगर जोड़ दें तो 45 हो जाए, जोड़ दें तो 45 हो जाए, गुणा कर दें तो 324 हो जाए। आप ज़रा मुझे सोच के बताना फटाफट, जल्दी से चलो, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। चलो देखो अब बच्चा आपको थोड़ा यहाँ सिफत करनी पड़ेगी, वो क्या है, हमें बीच वाले पद को तोड़ करके गुणनखंड करने हैं, मैंने आपको गुणनखंड करना बताया है। अब हमें कोई दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको अगर जोड़ दें तो 45 हो जाए और गुणा कर दें तो 324 हो जाए। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि गुणा करें तो 324 हो जाए, जोड़ दें तो 45 हो जाए, आखिर क्या होगा, 4 5 8 9 तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 324 का फैक्टर निकाल लेंगे। अब इसमें ट्राई करेंगे दो दो मिला के, चलो
मान लो मैंने इन इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, इन सब का एक जोड़ा बना लिया। ध्यान से समझो कैसे हम जानेंगे कि वो कौन से दो अंक हैं जिनको गुणा करेंगे तो 324 और जोड़ेंगे तो 45 आएगा। इसे हम कैसे समझेंगे आखिर? बाकी कुछ लोग के दिमाग में आ जाता है, बता देते हैं फटाफट, लेकिन मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप कैसे समझोगे कि वो कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका आप गुणा करोगे तो 324, जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा? देखो तरीका ये है, आप जो संख्या बड़ी वाली लास्ट में होती है उसका फैक्टर करोगे और उसमें से आप जोड़े बना बना के ट्राई करोगे। तो भैया मैंने फैक्टर कर लिए, मैं इसका जोड़ा बना रहा हूँ, एक मैं ये जोड़ा बना ले रहा हूँ, एक ये पूरे का, तो दोनों का गुणा कर लो, 2 × 2 = 4 और ये 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81। अब हम 4 और 81 ले रहे हैं, तो बच्चा ये देखो अगर हम 4 का मल्टीपल 81 में करते हैं तो ये मल्टीपल तो 4 ये हो जाएगा पूरा पूरा, गुणा करने पे तो 324 आ जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि हम जब 81 में 4 को ऐड करें तो ये बच्चा क्या हो जाए, ये 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए बट ये 85 हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या करोगे, इसको कुछ करोगे नहीं, इसी में आप थोड़ा सा चेंजिंग करोगे बच्चा। चेंजिंग कैसे करोगे, ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो, मैं एकदम कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, लेकिन थोड़ा समझो, टाइम दो, भाग के चले जाओगे कभी नहीं समझ में आएगा ज़िंदगी में, इसलिए थोड़ा समझो। हमने क्या किया था, पहले 2 अंक लिए थे, अब हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, चलो हमने अब 1 3 और ले लिया, उसमें ये जोड़ा थोड़ा कम कर दिया, अब ट्राई करते हैं, चलो 2 × 2 = 4 = 12, 1 × 1 = 12 और ये 3 × 3 = 27, देखो 12 और 27 हो गया बाबू, ठीक है। तो 12 और 27 का जब आप मल्टीपल करोगे तो देखो मल्टीपल में तो हमेशा वो आ जाएगा क्योंकि फैक्टर उसी का है, उसी का बच्चा है ना, लेकिन जोड़ने पर आ जाए ये मुश्किल है। इसको जोड़ो तो 39 आ रहा है, मतलब 45 नहीं आया, इसका मतलब हमारा ये भी तरीका गलत है। तो हम क्या करेंगे फिर, हार नहीं मानना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ट्राई करते रहो बच्चे। चलो अब क्या करोगे, अब फिर आप इसको मिटाओ और फिर से आप इसमें एक और कोई चेंजिंग करो, इसमें और एक की चेंजिंग क्या करोगे बच्चा, हम क्या करेंगे ना, फिर हमने यहाँ 3 तक इतना जोड़ा एक बनाया था, अब हम एक और नीचे ले लेते हैं, चलो इसको इसमें ले लेते हैं, हाँ, और इनका 2 ले लेते हैं अलग अलग, ऐसे ऐसे उलट पलट करके करेंगे बन जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 36 और ये 3 × 3 = 9। देखो 36 का 9 में मल्टीपल करोगे बाबू तो ये हो जाएगा 324 और यहाँ पर देखो संयोग अच्छा है, ये 45 भी आ गया, आ गया ना, इसका मतलब हम 36 और 9 को लेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में पहले आ गया था, कमेंट कर रहे थे, देखो मोहित वगैरह कुछ हैं ऐसे, लेकिन मैं समझ रहा था कि आपको आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था। चलो तो अब इनको हम क्या करेंगे, अब इनको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे और वो पार्ट कौन कौन से होंगे आपके सामने हैं, ये मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे ये सारी कहानी तुमको फिर से मिल जाएगी बच्चा, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस 45 की जगह पे हम लिखेंगे का लिखेंगे 36 + 9, भाई 45 को 36 + 9 लिख सकते हैं, 45 को 36 + 9 लिख सकते हैं, बाहर से x था x और प्लस का 324 था तो ये ऐसे इक्वल 0। ये कहानी आपको समझ में आ रही है अच्छे से, चलो ठीक है आगे बढ़ते रहो फटाफट। तो बच्चे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ये x का स्क्वायर माइनस 36 का गुणा करोगे x में, हमें पता है कि 36x हो जाएगा, पहले माइनस है, कोष्ठक खुलेगा, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, मतलब कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बच्चा ये माइनस हो जाएगा तो ये 9x हो जाएगा, हाँ भाई x का 36 में किया 36x, x का इसमें किया तो 9x और प्लस का ये 324 इक्वल 0। अब इनमें कॉमन लोगे, मैंने बेसिक मैथ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, सबको कॉमन लेना आता है, x कॉमन लोगे x माइनस 36 बचेगा, बच्चा इसमें माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 बचेगा इक्वल 0। अब मैं नीचे धीरे धीरे मिटाता चलूँगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लो, वीडियो पीछे करोगे सारी कहानी आपको दोबारा से मिल जाएंगी और आप नोट कर पाओगे। हाँ एक काम और कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक के भी आप लिख सकते हो, ये भी एक अच्छी बात है, वीडियो को रोक के पुश करो, वीडियो को टच करके रोको फिर लिखो, फिर आगे बढ़ाओ फिर लिखो, जो 2 बार कॉमन हुआ 1 बार हो जाता है और जो ये एक्स और माइनस 9 कॉमन था वो इतना हो गया। अब हम लिखेंगे यदि यक्स माइनस 36 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना होगा 36 होगा, और यदि यहाँ पे एक और लिखोगे भाई, 2 कंडीशन है, यक्स माइनस 9 बराबर 0 तो यक्स बराबर 9,
हमने माना था कि माना जान के पास कंचों की संख्या यक्स, हाँ अब लिखो, अतः जान के पास कंचों की संख्या यक्स बराबर 36, एक्स बराबर 36। तो जान और कौन था भाई साथ में जान के, जीवंती, हाँ तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 36, ना 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 45 माइनस 36, हाँ 45 माइनस 36, तो बच्चा ये हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर 9। यानी जब जान के पास में 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 9 कंचे थे। बात समझ में आई, क्योंकि दो माना है इसलिए आप नीचे एक लाइन और लिखोगे, एक लाइन आप नीचे लिखो जल्दी से भाई, इतना हो गया नोट करो, इतना हो गया नोट करने के बाद नीचे एक लाइन और लिखोगे, समझ में आ रही ना बात। चलो तो अब देखो, आप लोग लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसी में बना दे रहा हूँ। एक लाइन नीचे लिखो, तुम लोग इसमें मत बनाना अपने में कॉपी में, एक लाइन और नीचे लिखो, नीचे लिखो, अतः यदि जान के पास कंचों की संख्या यक्स बराबर 9, भाई मान लो कि यक्स का मान 9 लेते हैं, तो नीचे लिखो, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस 9 बराबर 36। यानी कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि जब जान के पास 9 कंचे होंगे तो जानवी के पास 36 होंगे, जब जानवी के पास 36 होंगे तो जान के पास 9 कंचे होंगे। हो गई ना दूसरे जो समीकरण की उदाहरण की समस्या थी उसका सलूशन हो गया, हल हो गया ना। तो बच्चे इस तरह से आपका ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ का जो एक्सरसाइज 4.2 थी उसका सवाल नंबर 2 पूरा हो चुका है। ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है। मतलब दो ऐसे नंबर आपको ढूंढना है जिनको जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाए और गुणा कर दिया जाए तो 182 हो जाए। तो पहले आप मानोगे, क्या मानोगे, माना पहली संख्या बराबर, क्या करोगे, पहली संख्या बराबर x, ठीक है। अब हमने पहली संख्या x मान लिया, कह रहा था कि जिनका योगफल 27 है, क्या बच्चा योगफल 27 है, तो अब आप लिखोगे, दो शर्त है यहाँ पर, पहली शर्त के अनुसार ध्यान देना। तो पहली शर्त कहती है कि दोनों का योगफल 27 है, यानी हमारे कहने का ये मतलब है, इनके सवालों का ही मतलब है कि प्रथम संख्या और प्लस सेकेंड संख्या यानी कि दूसरी संख्या है ना बराबर कितना 27। तो बच्चा पहली संख्या x मान लिया, धन क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, ध्यान देना, बराबर 27। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 27 माइनस यक्स, याद रखना ये क्या हो गई आपकी दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स आ गई। यानी अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो अगर कुछ पल के लिए नहीं दिखता है तो टेंशन मत लेना, हम उसे ज़रूर सही करेंगे, तुरंत सही करेंगे, एक पल नहीं लगेगा। तो इस तरह से बच्चा आपका क्या हो गया, दूसरी संख्या कितनी हो गई 27 हो गई। अब अगली शर्त आगे बढ़ो, कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 है, योगफल 27 था और गुणनफल कितना है 182 है। तो ये तो हम योगफल तक कर लिए, अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे भैया, दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त इधर साइड में देख लो, जगह है ना यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं। पहले इसको लगा लेना, इतना लगाने के बाद क्या करोगे बच्चा लोग, इतना लगाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर ऐसे, दूसरी शर्त के अनुसार कहती है कि जिनका गुणनफल 182 है। तो बच्चा इसका मतलब ये है कि पहली संख्या गुणा सेकेंड संख्या मतलब दूसरी संख्या, ठीक है, समझने की कोशिश करो, दूसरी संख्या बराबर 182 है। ये आपको समझ में आ रहा कि नहीं, ये दूसरी शर्त में कह रहा है। अब आपको क्या करना है बच्चा लोग, मान रख देना फटाफट, देर नहीं करना है भैया, तो मान रख दो, पहली संख्या x माना था, दूसरी संख्या 27 माइनस x आया है, इनका गुणा करके 182 के बराबर करो। अब देखोगे ये 27x माइनस x का स्क्वायर बराबर 182 आएगा। बच्चा इसको इधर ले आओगे तो बाबू कितना हो जाएगा आपका, ये 27x माइनस x का स्क्वायर माइनस का 182 इक्वल 0। इतना तो आपको क्लियर होगा, यहाँ से एक द्विघात का समीकरण बन जाएगा, आप यहाँ से इनके मूल निकाल लोगे, और मूल निकालना हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जानते हैं। इतना लिख लो, उसके बाद फिर हम इसको मिटाते हैं, और आप सभी मूल निकालना जानते हो ना, तो चलो ठीक है,
अब इतना आप सभी कर लिए, जो बच्चे इसको नहीं लिखे हैं वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करेंगे ये सब दिख जाएगा जो मैं मिटा देता हूँ, टेंशन मत लेना, ये मत कहना कि हम मिटा देते हैं। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जैसे मोहित, प्रियंका, ध्रुव, अनंत और आशीष, कौन कौन जुड़े हैं भाई, सोनम, सोनल, तो ये सब ये मत सोचे कि मेरा नाम नहीं ले रहे, ठीक है? नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाना है तो नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता बाबू, ठीक है? तो टेंशन मत लिया करो कि हाँ आपका नाम नहीं बोल रहे इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ जो जो पढ़ रहे हैं। चलो तो आप क्या करोगे इसमें, ये तो हल ऐसे लिखा रहने दो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना है। आप अगर यहाँ ध्यान दो तो ये द्विघात का समीकरण है, लेकिन ये थोड़ा जो क्रम है वो गलत लिखा है। तो यक्स का स्क्वायर सबसे पहले करोगे तो माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के जो स्टैंडर्ड रूप है उसके रूप का हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुआ क्योंकि उसमें माइनस नहीं होता पहले ना, जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। तो क्या करोगे बच्चा, फिर आप इसमें से माइनस का चिन्ह हटाने के लिए माइनस एक से दोनों तरफ गुणा करोगे, तो माइनस एक से गुणा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा, ये धन 182 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला करके हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने पर 27 आए, ये आपको बताना है। चलो सभी बच्चे बताओ भैया, गुणा करने पर 127 आए बाबू, हाँ आ जाएगा, नहीं गुणा करने पर 182 आए, कर लो x का स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 14 धन 13, जोड़ोगे तो वही आएगा और धन 182। देखो ये आपका क्लियर हो रहा है, ये 14x हो जाएगा, 14 को ऐसे लिखो ढंग वाला 4, और ये कोष्ठक खुलेगा तो ये 13x धन 182 इक्वल 0। ये एक्स कामन लोगे x माइनस 14, इसमें माइनस 13 कामन लोगे, ये एक्स माइनस 14 इक्वल 0। तो बच्चा ये एक्स माइनस 14 एंड ये एक्स माइनस 13 ये क्या होगा, आपके दो इनके फैक्टर होंगे, लेकिन अभी ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर के लिए अभी आपको कुछ और आगे बुझाना पड़ेगा, जहाँ नहीं दिखेगा टेंशन मत लेना, देखो मैं चारों तरफ दिखा दे रहा हूँ, इधर कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है? बात समझ में आ रही ना? तो ये x का स्क्वायर था, इधर साइड 182 था, बाकी सब लगभग क्लियर हो चुके हैं, आप लोग इन्हें लिख लो जिनको लिखना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनको मिटाते हैं, बात हो गई है पक्की। अब क्या लिखोगे आप सभी बच्चे, ध्यान थोड़ा सा ध्यान दो, क्या करना है अब आप देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, बराबर 0 है ना, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल 0 तो x बराबर 13 ना भाई, उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ ये 0 ही रहेगा याद रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करना। यहाँ पे लिखो यदि ये ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था भैया, हमने माना था कि माना पहली संख्या x और दोनों संख्या बताना था हम, आप लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर कितना 13 मान लो, तो दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14, ठीक है? अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बाबू, 14 होगी। लेकिन एक बात और ध्यान देना, क्योंकि दोनों के मान जो है प्लस में आए, दोनों अलग अलग आए, तो एक बार और नीचे लिखोगे, यदि पहली संख्या यक्स बराबर 14 तो दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13 हो जाएगी। तो अगर वो पहली 13 होगी, दूसरी 14 होगी, तो पहली 13 मतलब दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है? तो ये आपका पहला सवाल पूरा हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निसंकोच उसे हमसे पूछ सकते हैं। कैसे इसको मैंने हल किया था, किस ढंग से किया था, वो आप लोगों ने पहले से ही देखा था। 2.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही प्यार से देखो, कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 हो। क्रमागत धन पूर्णांक की बात आ रही है, इस बात को ध्यान देना। तो बच्चों देखो, क्रमागत धन पूर्णांक की बात जहाँ आती ना, वहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम एक चीज़ समझते हैं। अगर हमें सिर्फ क्रमागत धन पूर्णांक पूछा जाए तो हम पहला को x, दूसरा को x प्लस 1 मान सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर आपसे क्रमागत धन पूर्णांक पूछा जाए तो ये ठीक है, लेकिन क्रमागत अगर
सम धन पूर्णांक। तो बच्चा पहला x मानोगे तो दूसरा x प्लस टू मानोगे, तीसरा x प्लस फोर मानोगे। अगर सम विषम की बात आ रही तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दो दो के अंतराल पे मानोगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ धन पूर्णांक की बात आ रही तो आप x x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री सीरियल से मान सकते हो। तो वो तो मैंने कर लिया। आगे क्या कहता है आप इसे लिख लो। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस वन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहता है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे बच्चा? प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल 365 है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल 365। हल कर लो, ये x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा। और फार्मूला बच्चा आप सभी जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम इसको खोल के आपको दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी 2x इक्वल 365, 365। नहीं दिखेगा बता देना, टेंशन मत लेना। तो बच्चा ये क्या होगा बाबू, ये जुड़ जाएगा तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2x और ये 365 इधर ले आओ बराबर के, तो 365 हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल जीरो। पता नहीं कौन सी मुसीबत आज बड़ा हिचकी आ रही भाई, कौन आने वाला यार। देखो अब काम बन रहा है कैसे। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो यार, लाइट बड़ी कम मुझे लग रही है, थोड़ा सा रुको। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। लाइट मैंने सारी जला दिया। देखो बच्चा आप क्या करोगे बाबू, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये प्लस और माइनस है ना, तो ये फाइनल में आपका 2x का स्क्वायर प्लस ये 2x और ये माइनस 364 बराबर जीरो, क्योंकि एक इसमें से घट जाएगा, ये बड़ा है इस वजह से चिन्ह भी माइनस का होगा। अब अगर आप इसमें देखो तो पूरे में आप दो कॉमन ले सकते हो। तो बच्चा अगर इसमें आप दो कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस, इसको दो से भाग करोगे, दो एक कम दो, दो अठे 16 और दो दूना 4 इक्वल जीरो। ये आपका क्या बचेगा, इतना बचेगा, दो दूसरी साइड जाएगा तो सब शून्य हो जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ x का स्क्वायर ही लिखोगे तो कुल मिला करके एक आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा ख़त्म। तो देखो कैसे, ध्यान दो। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान देना, कक्षा 10 में पहुँच गए हो, आपको पता है ये दो इधर गुणा में है, अगर इस दो को हम उस साइड ले जाएंगे बच्चा तो ये दो हो जाएगा भाग में, और जीरो के नीचे भाग में जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। कुल मिला करके आपको क्या मिलेगा फाइनल में, ये मिलेगा छोटका वाला, बस। कौन सा है भैया वो, हमें फाइनल में सिर्फ यही समीकरण मिलेगा जिसका नाम है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल जीरो। गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1 आए, मल्टीपल पे 182 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है। तो बच्चा क्या करोगे, x का स्क्वायर प्लस, इसे आप लिख सकते हो 14 माइनस 13 और फिर ये हो जाएगा इंटू यक्स माइनस 182 इक्वल जीरो। इधर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन मत लेना, मैं अभी इसको हटा दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, आपको दिखने लगेगा। वैसे आपको पूरा दिख रहा है हा? आप लोग यहाँ पे एरो लगा लेना, सब में आगे एरो लगा लेना, लेकिन बराबर मत लगाना क्योंकि दो जगह बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पे एरो लगाना हाँ एरो। तो बच्चा फाइनल में ये आपका x का स्क्वायर प्लस ये 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल जीरो हो जाएगा। ये कैसे हो गया पता है आपको, हमने x का मल्टीपल इसमें कर लिया तो 14x, x का 13 में तो 13x और ये x का स्क्वायर प्लस वैसे उतार लिया, बाकी वैसे कर लिया। अब इसमें कॉमन ले लो, आपको पता है इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, इसमें माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 बचेगा इक्वल जीरो, यानी हमारे पास x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल जीरो। ये क्या होंगे, ये दो गुणनखंड होंगे। यहाँ से यदि हम x को एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 14 आएगा, और जब x इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 13 आएगा। हमने क्या माना था, सबसे पहले माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x माना था, यहाँ पे हम माइनस वाला छोड़ देंगे। जब कहीं इस तरह से दो मान आते हैं, एक माइनस एक प्लस, तो हम प्लस लेते हैं, माइनस को नगण्य मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो पहला क्रमागत देखो धन पूर्णांक की बात हो रही, तो ऋण पूर्णांक नहीं लोगे, धन पूर्णांक लोगे, x हो जाएगा, x मतलब 13। अब आप एक लाइन कहीं लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं। अब आप क्या लिखोगे बच्चा, ऊपर ध्यान दो, बड़े ही प्यार से देखो, ईमानदारी से देखो, आप क्या लिखोगे,
अब आप लिखोगे नीचे, इसके नीचे लिखोगे, अतः पहला कर्मगत धन पूर्णांक यक्स बराबर 13 तथा नीचे दूसरा कर्मगत धन पूर्णांक एक्स प्लस 1 इक्वल 13 प्लस 1 इक्वल 14। ये दो कर्मगत धन पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग करोगे तो 365 आएगा। करके देख लो फिर बताना मुझे, 13 का कर लो, 169, 14 का कर लो, 14 का कितना होता है आपको पता है ना, 196 ऐसे कुछ होता है ना, करके देखो। देखो मैंने बात भी सिद्ध कर दिया, बच्चा कह रहा कि उनके वर्गों का योगफल 365 होता है, पहला कर्मगत धन पूर्णांक 13 है, 13 का वर्ग कर लो 169 होगा, दूसरा है 14, 14 का वर्ग करो 196 होगा, दोनों को जोड़ दो 365 आ रहा है, हो गया ना सिद्ध। लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना था, सिर्फ यही निकालना था 13 14, आप कर लिए तो इसे नोट कर लो जल्दी से फटाफट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आपको इस तरह से सारी क्लास को मिलती रहे और आप पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि फिर इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू ये, ऐसे ही आप एक काम करो, ऐसे एक त्रिभुज बना लो, इसको क्या बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लो। क्यों समकोण यहाँ बात किया था, समकोण का मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। और हाँ एक बात और याद रखना, किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में, और कर्ण कभी भी बदलती नहीं है, कोण चाहे जहाँ बदल जाए, यहाँ पे एंगल होगा तो लंब ये हो जाएगी, यहाँ पे एंगल होगा तो लंब ये हो जाएगी, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कहने का मतलब ये है ना हमें ऊंचाई कन्फर्म है ना आधार कन्फर्म है, दोनों को हमें ये उलझा के रखा हुआ है, ऐसा कुछ कह रहा है ना। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो बच्चा पहले क्या मानोगे, आधार पर निर्भर है ऊंचाई, ऐसा लग रहा है ना, कह रहा ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हल, लिखो क्या करोगे, लिखोगे माना समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल एक्स, आधार मीन्स जानते हो बेस, ओके, माना समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि बेस एक्स, इसलिए या फिर तब समकोण त्रिभुज का एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पे होगा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई इक्वल क्या होगा बच्चा, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा ऊपर कहा था, हाँ हो गया। आगे क्या कहता है, कहता है कि यदि कर्ण 13 है तो फिर अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चा बड़ा ही प्यार की बात है, आ गया सब कुछ इसमें, जब ये हो गया तो ये लंब है, लंब कहाँ गया भाई, लंब का मतलब ऊंचाई, एक्स माइनस 7, ये बेचारा एक्स है, लगा दो पाइथागोरस की परमीय, निकाल लो फटाफट, चलो हो गया। अब नीचे क्या लिखोगे, आप लिखो पाइथागोरस की परमीय से, नीचे दिख रहा है ना, इधर अगर मैं साइड में लिख देता हूँ तो क्या दिखेगा, दिखेगा ना, हल्के सामने में लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे पाइथागोरस की परमीय से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप सुन रहे हो ना, पाइथागोरस की परमीय से, पाइथागोरस की परमीय हम सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है बच्चा आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा फाट में लिख रहा हूँ आधार लंब, आप समझ जाना, हाँ चलो, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब जो वहाँ पे दिया है x का स्क्वायर, धन लंब का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आप सबको दिख रहा है, बस इसको ओपन कर देना है, ओपन करके फटाफट सॉल्व करना है और खटाखट आपका आंसर आपके सामने दौड़ के आ जाएगा बच्चा। चलो देखो ये 13 169 आएगा इक्वल x का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, आप सभी जानते हो बचपन में पढ़े हो, a का स्क्वायर और धन b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब x, b मतलब 7, ये हो गई पूरी कहानी। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या मिटाएं इसमें से, सवाल मिटा दें या फिर ऊपर का आकृति मिटा दें, क्या करें बताओ। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सवाल मिटा के उत्तर लगा लेंगे। आप सभी बच्चे वीडियो को पीछे करके लिख लेना, जिनको सवाल नहीं लिखे थे वो वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन नोट कर लें, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं मिटा रहा हूँ बच्चा। चलो अब क्या करोगे तुम लोग, इसी को हल करो, ऊपर ले आओ फटाफट, ऊपर नहीं दिखेगा तो मैं अभी ऊपर दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, कैमरा मैं ऊपर कर दूंगा जिनको नहीं दिख रहा है। तो बच्चा यहाँ देखो ये प्लस प्लस है, जुड़ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस ये 49,
मैं ऊपर दिखा रहा हूँ अभी, तुरंत अगर नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लेना एक भी पैसे का। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चे अब ध्यान दो आप लोग, नीचे ऊपर आपको कुल दिख रहा है, ये 2x का स्क्वायर हो गया 77 जा, नहीं ये 49 माइनस ये 27 जा, ये हो जाएगा आपका बच्चा 14x। इतना ही तो पूरी कहानी है ना, बस इसी को हल कर लो, सारी जुबानी आपके उत्तर आ जाएं जो भी हैं। तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वही, मतलब ये आप जानते हो, इनको पूरा इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर और ये माइनस का 14x और ये बेचारा 49 ऐसे रहेगा, ये इधर आ जाएगा बच्चा 169 इक्वल 0 हो जाएगा। फाइनल करोगे 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस घट के 120 इक्वल 0 आएगा। इसमें यक्स ना 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 ना, इसमें दो कॉमन ले लो बच्चा, बड़ा ही इजी आ जाएगा दो कॉमन करोगे तो। आप दो कॉमन कर लो तो 7 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, दो कॉमन ले लो, यक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल 0। अब आपको समझ में आ गई होंगी सारी कहानी लगभग में, इसमें से ये दो जब इधर से जाएगा इसमें भाग में 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप टेंथ में वो इतना जानते हो, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, हम बता देंगे इक्वल 0। बस इसी समीकरण के हमें मान निकालने हैं, गुणनखंड करके, फैक्टर करके वैल्यू निकालने हैं, मूल निकालने हैं, उसके बाद हमारे आंसर जो है आपके सामने दौड़ के आ जाएंगे खटाखट, आप लिख लेना। चलो पहले मैंने यहाँ से सलूशन शुरू किया, नीचे तक किया, नीचे के बाद मैंने ऊपर हल किया, उसके बाद ये इसका एक पार्ट हो गया ऊपर का, हाँ। अब उसके बाद तीसरा पार्ट मैं इधर साइड में करूँगा, ध्यान देना। तो बच्चा तीसरा पार्ट मैं इधर कर ले रहा हूँ, कोई दो ऐसी गिनती बताओ जिसको गुणा करें तो 60 हो जाए और घटा दें तो 7 हो जाए। आपको पता है कि 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा, यानी हम इसे कह सकते हैं कि यक्स का स्क्वायर माइनस, इसे आप लिख सकते हो 12 माइनस 5 इंटू यक्स माइनस 60 इक्वल 0। ये आप कर सकते हो ना, ये कर सकते हो, फिर कोई बड़ी बात नहीं, आप सब कर सकते हो। ये हो जाएगा फाइनल में एक्स का स्क्वायर माइनस ये 12x और प्लस का ये 5x माइनस 60 इक्वल 0। कैसे हो गया, ध्यान दो, स्टार्टिंग में अगर माइनस है कोष्टक के, जब कोष्टक को ओपन करते हैं तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाते हैं, तो ये माइनस था इस वजह से प्लस हो गया। आपको पता है इसमें आप यक्स कॉमन ले लोगे, यक्स माइनस 12 बचेगा, इसमें 5 कॉमन लोगे, यक्स माइनस 12 बचेगा इक्वल 0। फाइनल में यक्स माइनस 12 एंड यक्स प्लस 5 इक्वल 0, ये आपके दो मूल आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो यक्स के दो मान आएंगे, एक 12 आएगा, एक माइनस 5 आएगा। आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आप आंसर में क्या लिखोगे, मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दो, ये आपका हो गया ना। अब यहाँ से आप माइनस वाला मान छोड़ दोगे, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें आधार और ऊंचाई मान निकालना था, तो आधार और ऊंचाई हमारी माइनस में तो होगी नहीं, कि निगेटिव में हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो क्या करोगे, अब आप लिखोगे, ये चीज़ तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसे फिर से लिख लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे ना तो ये सब कुछ फिर से आ जाएगा जो मैं मिटाया रहूँगा, टेंशन मत लेना, वीडियो थोड़ा सा बैक करना बस। अब लिखोगे आता है समकोण त्रिभुज का आधार यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यक्स माइनस 7, यही थी ना, बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना बच्चा, तो क्या करोगे, ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 12, ये 13, वो 5। समझ में आया, जल्दी से लिख लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। सवाल आपके बुक में है, आप बुक से सवाल को लिख लो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करो। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो PBR स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे कि आप पढ़ सकें हर रोज। अंगूठे का